रोते हुए राबड़ी आवाज से निकल रही ये महिला कोई और नहीं, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या घर से निकलती हैं और घर के सामने रोड पर खड़ी हुई एक सफेद गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। ऐश्वर्या के गाड़ी में बैठने के बाद एक सुरक्षाकर्मी गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि राबड़ी आवाज से ऐश्वर्या जब निकल रही हैं, तो उनका हाथ उनके आंखों पर है और ऐसा लग रहा है कि वो रोते हुए और आंसू पोंछते हुए राबड़ी आवाज से बाहर निकल रही हैं और उनके पिता ने जो गाड़ी भेजी थी उस गाड़ी में वो बैठकर चली जाती हैं। अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ऐश्वर्या घर छोड़कर क्यों गई है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चला है कि जिस गाड़ी में वो बैठकर गई हैं, वो गाड़ी उनके पिता चंद्रिका राय ने वहां भेजी थी। शादी के बाद से ही उनकी तेज प्रताप यादव के साथ नहीं बनी। तेज प्रताप से अनबन के बाद भी ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी के घर पर रह रही थी, लेकिन अचानक ऐश्वर्या घर से रोते हुए बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर अपने मायके चली गई। जब तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी तो कहा गया कि दोनों राजनीतिक परिवार हैं। जहां तेजस्वी के पिता और मां दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं ऐश्वर्या राय के दादा दरोगा प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वहीं पिता चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे। वहीं जब जेडीयू और आरजेडी ने बिहार में मिलकर सरकार बनाई तो खुद तेज प्रताप यादव कैबिनेट मंत्री बने। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी का मामला अब कोर्ट में है। दरअसल खबर थी कि तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से तलाक मांगा था, इसके बाद ही यह मामला कोर्ट में चला गया। ऐश्वर्या राय ने फैमिली कोर्ट से सुरक्षा की मांग भी की। तेज प्रताप यादव की शादी साल 2018 के मई महीने में हुई थी, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही तेज प्रताप यादव ने पटना हाई कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। आपको बता दें कि ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय आरजेडी के ही नेता हैं। इससे पहले हाल ही में दोनों के बीच पैचअप की खबरें भी आई थी, लेकिन तेज प्रताप ने इस तरह की तमाम खबरों का खंडन कर दिया था। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।